चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, अपन ने अभी तक एसएएस कंप्लीट किया, एएएस कंप्लीट किया, एसएसएस कंप्लीट किया, तीन फोर्थ वन वाज आरएचएस, कल जो लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो टॉपिक क्या था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसे ही साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दोनों चीजें रहती है। अभी अपन थोड़ा सा पहले अगला टॉपिक ले रहे हैं, कुछ बच्चों का कल एग्जाम है उस बिहाफ पे, तो आज का आपका हेडिंग लिखिए, अगर आप रोमन नंबर वाइज चल रहे हैं तो ये आपका रोमन नंबर सिक्स होगा, क्योंकि पहला एसएएस था, फिर एएएस था, फिर एसएसएस था, फिर आरएचएस था, और फिर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसे फाइव टॉपिक्स हमने कंप्लीट करे हैं। नहीं डाला रोमन नंबर कोई बात नहीं, अब हेडिंग लिख लीजिए साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल, लार्जर एंगल इज लॉन्गर, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 17, ओके, इन अ नहीं ओके इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कॉमा प्रूव दैट हाइपोटन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल एट बी, ये हो गया एबीसी, अब डेफिनेटली एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल में पता चलता है। ऐसे ही अगर हम लोग एंगल ए और एंगल सी की बात करें तो कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी टोटल होता है 180 डिग्री, तो अगर एक 90 हो गया तो बचे हुए दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, इतना पता चलता है कि स्टेटमेंट में चलेगा, है ना। अब ये विच मीन्स दैट, हम ऐसा लिखेंगे विच मीन्स दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, Also, angle B is greater than angle, greater than कॉलम से बताना, greater than angle C, नहीं पता चला मैम, अरे भाई ये 90 डिग्री है तो ये वाला हो सकता है 45 हो, ये भी 45 हो सकता है, ये 40 हो, ये 50 हो सकता है, एक 60 हो, एक 30 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि 90 डिग्री से ये दोनों के दोनों कम होंगे, क्योंकि दोनों का एडिशन मिलकर कितना होने वाला है, 90, जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो हो गया तो फिर ट्रायंगल कैसे बनेगा, है ना, तो एक 30, एक 60, एक 40, एक 50, कुछ भी होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, ये बात कंफर्म है। हमने लिखा एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड ऑल्सो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, अब एंगल बी और एंगल ए, एंगल बी के ऑपोजिट कौन है, एंगल बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, कौन सी है, एसी, और एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ऑल्सो वापिस लिखा एंगल बी के ऑपोजिट साइड अभी भी कौन है, एसी, और एंगल सी के ऑपोजिट साइड क्या पता चला, एसी इज ग्रेटर देन बीसी and AC is also greater than AB,
तो AC जो है वो BC से भी बड़ा है और AB से भी बड़ा है, which means that AC is the कौनसी साइड? लॉन्गेस्ट साइड. अब बच्चा स्टेटमेंट क्या यूज करना है, तो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू क्या लिखवाया आपका, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर. जो भी एंगल सबसे बड़ा है उसके ऑपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ा है अगर तो अपन ने लिखा कि एंगल बी ए से बड़ा है तो बी के ऑपोजिट ए सी भी बी सी से बड़ा है. दूसरा वाला लिया एंगल बी सी से बड़ा है तो सी के ऑपोजिट इज ए बी, तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, इट मींस दैट ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए सी इज द हाइपोटन्यूज, सो हाइपोटन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. लिखिए ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट में जाएगा और कुछ भी नहीं. पहले गिवन लिखी है, गिवन क्या दे रखा है, एंगल ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. फिर उसके बाद प्रूफ क्या करना है, तो एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड और उसके बाद प्रूफ में ये पूरा का पूरा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड, साइड्स ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू, फुल स्टॉप. एंगल PBC, एंगल PBC लेस देन, साइन लगाइए, इज लेस देन एंगल QCB. थोड़ा एंगल के बीच में और ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर देन के बीच में थोड़ा गैप रखना, नहीं तो पता चला ये दोनों साइन एक जैसे बना दिए और भूल गए कि हमने क्या बनाया था. थोड़ा सा दूर दूर लिख लीजिए. एंगल क्या लिखा, पी बी सी इज स्मॉलर देन एंगल क्यू सी बी, शो दैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी. ये क्वेश्चन बेटा मैं टेक्स्ट बुक वाले ले रहे हो, ये एक्सरसाइज आपकी 7.4 के क्वेश्चंस में यूज कर रहे हो, लिखवा रही हूँ जिससे ठीक है चल जाएगी पानी. टू प्रूव इज ए सी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है. अब ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में हमें बोला है कि एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी ये वाला इज स्मॉलर देन एंगल यू सी बी, स्मॉलर कैसा है, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है. थोड़ा सा थियोरेटिकली समझिए, ये मैथ्स लगा के फॉर्मूला लगा के सॉल्व होगा ऐसा नहीं, ये ग्रेटर देन और स्मॉल वाले क्वेश्चन दिमाग लगाने से सॉल्व होंगे, समझिए मैथ को. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप एग्जांपल नहीं लिख सकते, मैं मेथड बताऊंगी लिखने का वही लिखिएगा. अभी जस्ट समझिए कि सपोज करिए कि ये वाला पार्ट हमारे पास में 110 डिग्री है और ये वाला पार्ट 130 डिग्री है, क्योंकि ये वाला छोटा बोला है और ये वाला बड़ा बोला है, बाहर जा रहे हैं बड़े दिख रहे हैं इसलिए मैंने 90 से ऊपर ले लिए, 110 और 130. अब जरा इसका लीनियर पेयर बनाओ क्या हो जाएगा, अगर ये 110 है तो ये हो गया 70 और ये 130 है तो ये वाला हो गया, मतलब जो छोटा है उसका लीनियर पेयर बड़ा हो गया और जो बड़ा है उसका लीनियर पेयर छोटा हो गया, क्योंकि 180 में से हम माइनस कर रहे हैं. अब 50 डिग्री और ये वाला 70 डिग्री, मतलब ये वाला बड़ा है और साइड ऑपोजिट टू कौन सा एंगल, अरे बोलो ना, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर,
तो लार्जर एंगल इज लॉन्गर. 70 डिग्री के ऑपोजिट साइड कौन सी है? एसी. तो हमें क्या प्रूव करना है? एसी इज ग्रेटर देन एबी. तो इसका एंगल बड़ा है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड बड़ी होगी. ये एंगल छोटा है इसके ऑपोजिट वाली साइड छोटी होगी. दिमाग ये देखो, ठीक है? लेकिन आप इस तरह से वहां पर लिख नहीं सकते क्योंकि हमें कोई एंगल उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं कर रखे. तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे वो लिखिए. प्रूफ एंगल पी बी सी इज स्मॉलर देन एंगल क्यू सी बी ब्रैकेट में गिवन. लिखते जाइए, आ जाएगा समझ में. इजी गोइंग है. Subtract these from, देखो अच्छा चलो, subtract these from 180 degree. ये मैंने बताया ना कि इसको 110 ले रहे हो तो काय में से माइनस करा 180 में से. 180 माइनस एंगल PBC, बोर्ड पे देखिए साइन अभी भी आपका कौन सा रहेगा? देखो अब मेरे से ही गड़बड़ हो गई. क्या करा मैंने? एंगल PBC is smaller than एंगल QCB. ये ऐसी गलती पॉसिबल है इसलिए अपने आपको रीचेक करिए. 180 माइनस एंगल PBC इज लेस देन 180 माइनस एंगल QCB. अब 180 में से PBC गया, 180 में से PBC गया, क्या बचा? यहाँ बचा एंगल ABC इज लेस देन एंगल ACB. एंगल ACB, ठीक है? अब ABC स्मॉलर है, बराबर चल रहा है, क्या गड़बड़ हुई? डेफिनेटली ये चीज जो आपको यहां पर समझनी है वो क्या समझनी है कि 180 में से माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर साइन बदलनी पड़ेगी. 180 में से माइनस करने के बाद बताया ना बेटा ये 110 था और ये 130. 180 में से माइनस करने के बाद ये बचा 70 और ये बचा 50. मतलब ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया. साइन हमें यहाँ पर बदलनी पड़ेगी. अगर ये बदलना भूल गए तो डेफिनेटली आंसर बिगड़ बड़ा जाएगा. अब एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB. ABC कौन सा है? ये वाला. इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? और एंगल ACB के ऑपोजिट साइड कौन सी है? ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे? साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, हेंस प्रूफ. मेन बात क्या ध्यान रखनी है? 180 में से माइनस करने के बाद जो स्मॉलर था उसे ग्रेटर में कन्वर्ट करिए तो ही आपका आंसर आएगा, ठीक है? चलिए देखिए. और ये 110 और ये सब नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था. इन द फिगर एंगल बी is smaller than angle A. Angle B is smaller than angle A. And angle C is smaller than angle B. Prove that AD is less than BC. Prove that AD is less than BC. बोर्ड पे समझ लीजिए, ये आप अपने आप करेंगे. हमें दिया है एंगल B is smaller than एंगल A, है ना? तो एंगल B के ऑपोजिट कौन है? A. तो OA will be smaller than, अरे एंगल A के ऑपोजिट EO. तो OA will be smaller than BO. ऐसे इधर चलो, एंगल C के ऑपोजिट DO और एंगल D के ऑपोजिट OC. एक तरफ चलो, या तो CO चलो या OC चलो, दो आंसर मत ऐसा करिए, ठीक है? अगर आप OC ले रहे हैं तो यहाँ पर OD लीजिए. तो एंगल C के ऑपोजिट है OD और एंगल D के ऑपोजिट है OC. तो क्या लिखेंगे? C के ऑपोजिट
सी के ऑपोजिट ओडी, ओडी इज स्मॉलर देन ओसी, वो इक्वेशन वन या इक्वेशन टू दोनों को ऐड करिए आपका आंसर आ जाएगा। चालू करो।